focus is on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. सभा के एमपी आर के सिन्हा जी जो एसआईएस के चेयरमैन भी है उन्होंने अभी अनीता कुंडू को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अपनी कंपनी का. सर अगर जानना चाहें अनीता के बारे में काफ़ी इन्होंने पिछले 2-3 सालों से इन्होंने पहले माउंट एवरेस्ट इन्होंने अचीव किया अभी एक और अचीवमेंट लेके आए हैं तो आपने क्या देखा इनके अंदर कि इनको ब्रांड एम्बेसडर चुना. पहली चीज़ ये है कि ये एक ऐसी नवयुवती है जो कि जिंदगी में इसने बहुत कम उम्र में बहुत ही संघर्ष किया है. 13 साल की बेटी हल चला के और खेत जोते और 60 किलोमीटर दूर जाके कॉलेज में पढ़ाई भी करे तो मुझे लगा कि इस बेटी को मदद करना चाहिए. ये सबसे बड़ी बात ये है कि अपने को बेटियों के लिए ही काम करने के लिए समर्पित करना चाहती है, शादी नहीं करना चाहती, अपने 3 बहनों को भाइयों को शादी कर दिया, सेटल कर दिया, लेकिन खुद चाहती है कि लड़कियों के लिए काम करें. SIS की बात करें तो ये वर्ल्ड में वेल नोन है, सबको पता है इसके बारे में. और जब आपने इनको ब्रांड एम्बेसडर चुना, मोस्टली बड़ी कंपनीज क्या करते हैं कि बड़े बड़े एक्टर्स को लेती है या बड़े बड़े वेल नोन सेलिब्रिटीज़ को लेती है. अनीता कुंडू जैसे ब्रांड से जुड़ने के बाद आप क्या देखते हैं SIS का ब्रांड कहाँ तक जा पाते? आपको ये बता दें कि SIS पिछले 30 साल से माउंटेनियरिंग का काम कर रही है. हम अपने बच्चों को बेसिक कोर्सेज, एडवांस कोर्सेज, इंस्ट्रक्शनल कोर्सेज, रेस्क्यू कोर्सेज, सारे कोर्सेज में भेजते हैं क्योंकि हमें तो हर तरह की आपदा का सामना करना ही पड़ता है और उससे बच्चों में बड़ा साहस आता है और बहुत उनका एक टीम वर्क बहुत अच्छा बनता है. तो एक बेटी अगर इससे आगे आ रही है तो उसको ज़रूर आगे बढ़ाना चाहिए. आपके बारे में मैं एक पढ़ रहा था कि आपने अपने करियर का शुरुआत एज अ जर्नलिस्ट की थी तो क्या लगता है अभी भी आपके अंदर एक जर्नलिस्ट अंदर है क्योंकि जर्नलिज्म सोसाइटी की? वो तो मरता नहीं है. व्यक्ति के अंदर का पत्रकार कभी मरता है नहीं, वो तो रहता ही. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. हर राज्य में होनी चाहिए. वैसे तो हरियाणा की बेटियाँ इतना अच्छा कर रही है, खास करके जो पिछला वर्ष गया है 2017, इसमें तो हर तरह के गेम्स में, स्पोर्ट्स में, सौंदर्य प्रतियोगिता में, हर चीज में आगे नाम किया है उन्होंने. अभी मैं नारनौल गया था, महेंद्रगढ़ जिले के मुख्यालय, तो वहाँ की बेटी वहाँ डिप्टी कमिश्नर है IAS, उसका नाम भी अनीता ही है. अनीता उसका मित्तल या बंसल कुछ नाम है. तो वो भी मेरे साथ उस फंक्शन में थी तो मैंने भी उसको बताया कि अनीता अभी गई हुई है वहाँ और लौट के आएगी तो हम यहाँ भी उसका एक फंक्शन करेंगे. तो ऐसा नहीं है, लेकिन वो खुद भी इस चीज़ को कह रही थी कि हरियाणा में महिलाओं की स्थिति में और बदलाव आना चाहिए. वो स्वयं डिप्टी कमिश्नर है, नंबर 1 है उस डिस्ट्रिक्ट की, लेकिन वो एक कहानी सुना रही थी कि मैं चंडीगढ़ कभी जाती हूँ और मीटिंग से वापस लौटती हूँ, देरी होती है तो 4 बार भी माँ के फ़ोन आ जाते हैं कि पहुँची कि नहीं पहुँची. मैं बताती हूँ कि माम मेरे साथ पुलिस है, स्पोर्ट है, पायलट है, कोई तुमको प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन उसके वो इस ये माहौल बहुत ख़राब है तो ये माहौल बदलना चाहिए. तो वही अनीता ने जो बात कही उसको आप दूसरे ढंग से आपने लिया. ऐसा नहीं है कि हरियाणा के प्रति कोई इसका प्रेम नहीं है, प्रेम तो है लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है ये उसने कहा. और मैं तो देखिए काम में विश्वास रखता हूँ और इस बात में विश्वास नहीं रखता हूँ कि क्या पुरस्कार किसको मिलना चाहिए. पुरस्कार तो जनता जो देती है वो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है.